सिंध के वज़ीर मेहनत और अफरादी खुबर सईद गनी की ईद कैसी गुजरती है और वो ईद कैसे मनाते हैं और ईद की शॉपिंग उन्हें कौन कराता है। ब्यूरो चीफ असलम खान के सवालात पर सईद गनी के दिलचस्प जवाब आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हो। हम मौजूद हैं सिंध के वज़ीर मेहनत पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी साहब के साथ। इनको आपने बहुत ज़्यादा एक मसरूफ़ सियासत में ज़िंदगी गुजारते हुए देखा होगा, ईद इनकी कैसे गुजरती है, ईद पर क्या मसरूफियात रहती है, हम इन्हीं से जानते हैं। यार ईद हमारी बस एक रवायती सी ईद होती है, सच्ची बात तो ये है, एक सिलसिला है जो बचपन से चल रहा है, उसी तरह चलते हैं। पहले मेरे वाले साहब जिस तरह से उनका जो रूटीन था मैंने उसी को अपनाया हुआ, उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। मैं उनके साथ जाया करता था पहले, तो अब ये कि मैं अपने साथ कोशिश करता हूँ कि बच्चों को भाइयों को लेके जाऊँ, तो सुबह नमाज में पढ़ता हूँ अपने चनेसर गोट में मस्जिद में। नमाज के बाद हम कब्रिस्तान चले जाते हैं, दो तीन कब्रिस्तान हैं मुख्तलिफ जहाँ हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो मदफन हैं। फिर उसके बाद जो है वो घर आके घर वालों से ईद मिलता हूँ। अहलिया और बच्चे ये शिकवा नहीं करते कि ईद का एक दिन होता है और उस दिन भी आपकी सियासी मसरूफियत ख़त्म नहीं होती है? वो अब आदि से हो गए हैं। बच्चे तो मेरे जब बड़े हुए हैं तब से ही वो देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है, तो वाइफ को भी अंदाज़ा था पहले से, तो वो खैर अब माइंड नहीं करते हैं। ईद पर शॉपिंग आपकी कौन करता है? बच्चों की तो ज़ाहिर है कि अहलिया को जिम्मेदारी आपने दी होगी, आपकी शॉपिंग आप खुद करते हैं अहलिया करती हैं? मेरी मैं खुद करता हूँ और कोई बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर फिरता नहीं हूँ। मैं एक ही दुकान पर जाता हूँ तो शलवार कमीज़ के कुछ जोड़े ले लेता हूँ, वही दर्जी को दे देता हूँ, वही सिल के आ जाते हैं, वही पहन लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ और भी है कि जो एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि ईदी मिले, आपको ईदी अब मिल रही है किसी से कोई? नहीं अब नहीं मिलती, अब तो खैर देनी पड़ती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ईदी मिली? मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है ज़्यादा कितनी, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है मुझे 20-22 साल की उम्र तक तो मिलती रही है ईदी, क्योंकि वाले साहब जब तक थे वो कह रहे तब तक ईदी मिलती थी मुझे, तो आखिरी दिनों तक तो 5,000 मिल जाती होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं मेरी कभी। लेकिन मैं देता हूँ और चूँकि ख़ानदान मेरा काफ़ी बड़ा है तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत हैं ख़ानदान में, तो अब तो जो मेरे बच्चे हैं वो काउंट करते हैं कि जी कितने बच्चे हैं, किस किस के कितने कितने बच्चे हैं, तो फिर उसके हिसाब से हम बनाते हैं और फिर मैं अपने बच्चों को देता हूँ, वो फिर तकसीम कर लेते हैं मेरे ब्याह पे सबको जाके। जो सियासी मुखालफीन हैं जो चाहे जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो और या जो भी असम्बली में साथ हैं आपके, सबको करते हैं मैसेज? जिन का नंबर मेरे फ़ोन में मौजूद है सबको। तो हाफिज नईम साहब का नंबर भी आपके पास होगा इस बार, ये मैसेज तो नहीं कर देंगे कि मेयर कराची सिर्फ जाला होगा? वो भी अगर आप कह रहे हैं तो कर दूंगा साथ में, लेकिन ये कि मैं उनको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि साथ में ऐसी चीज़ लगाऊँ जिससे उनकी खुशी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए दो चीज़ों। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। और ईद के दिन भी देखें कि जो एक सियासी रहनुमा होते हैं अगर कराची में एक बड़ा नाम बनाया एक मेहनत से इस मुकाम पर पहुँचे तो कितना एक मसरूफ़ दिन भी गुजरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू।